नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं CPR के बारे में। कल हमने बताए थे फर्स्ट एड क्या है, क्यों है ज़रूरी, और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है आज CPR। दोस्तों, सबसे पहले हमने हमारे आसपास के एरिया में होने वाले इमरजेंसी एक्सीडेंटल के बारे में हमने कल ही बात किए थे। तो दोस्तों, CPR कब, कैसे और कहाँ देनी है, ये चीज़ के बारे में बात करेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति अचानक से आपके सामने गिर गए या आपके आसपास में कोई गिरा हुआ पता चले, तो आपको सबसे पहले उनके पास जानी है, उसको सुरक्षित जगह में रखनी है, और उसके बाद फिर आपको ABC CPR के 3 रूल्स हैं, इसको आपको सबसे पहले चेक करनी है। A4 एयरवे, सबसे पहले एयरवे चेक करनी है कि कुछ उनके एयरवे में अटका तो नहीं है, रुका तो नहीं है, और कहीं चोक या ब्लॉक तो नहीं है। दूसरी चीज़ है ब्रीथिंग चेक करना है दोस्तों। सबसे पहले उसके नाक के पास जा कर के अपने कान को रखनी है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई एयर मूवमेंट तो नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ है चेस्ट राइज, मतलब चेस्ट फूल रहे डाउन हो रहे। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको सर्कुलेशन चेक करनी है। कि सर्कुलेशन चेक करने के लिए कैसे पता करेंगे, नब्स, ये वेन है, पल्स फील करके देखेंगे कि उसकी धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, और सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों, आपका मेन रोल इम्पॉर्टेंट होता है, आप चाहे आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कोई मतलब नहीं रखता, आप मेडिकल फील्ड से हो कि नहीं हो, ये भी चीज़ें आप लोगों को इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रखना है। मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को कैसे मदद करते हैं। फिर दोस्तों, इसके आगे होता है CPR का मेन रोल। आप पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबल जोन पे, मतलब समतल स्थिति पे आप लेटा दीजिए पेशेंट को। उसके बाद आप दोनों हाथ को लॉक करनी है ऐसे, और उसके जो बीच की हड्डी है चेस्ट, जिसको एस्टर्नम बोलते हैं, उसके लास्ट हिस्से में 1/3, मतलब 1/3 वाले हिस्से में आप कंप्रेस करनी, कितनी, 30 बार, और 2 बार उसको सांस देनी है। 1001, 1002, 1003, ये 30 बार कंटिन्यूस आपको देनी है, और 2 बार सांस, ऐसे साइकिल कंटिन्यूस आपको देनी रहेगी। और दोस्तों, इमीजिएटली आपको एम्बुलेंस कॉल, पहले जैसे ही पेशेंट को आपको पता चलता है अनरिस्पॉन्स है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट कोई हरकत नहीं है, तब पेशेंट को आपको एम्बुलेंस कॉल करके ही बुला लेना चाहिए, और CPR का प्रोसेस चलते ही रहना चाहिए। इसमें 5 से 7 साइकिल के बाद में एक बार आप चेक जरूर करना चाहिए कि पेशेंट का ब्रीथिंग या सर्कुलेशन वापस तो नहीं आ गया। यदि उस स्थिति में वापस आते हैं, तो पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबल बैठाइएगा, उनको पानी बिल्कुल नहीं देना है उस समय, उसके ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब गले में फंसने की दिक्कतें आ सकती है। पेशेंट उस समय कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, तो उसको संतवाना देना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें आप उसको बाद में पूछेंगे, पहले शांत रहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक के बताएंगे CPR। अगले वीडियो में आपको बताएंगे प्रेगनेंसी में कब देनी है और कैसे देनी है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बच्चों को कब और कैसे देनी है। तो दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार के डाउट है आपको, तो वीडियो में मैंने लिंक भेज दिया इंस्टा में, वहाँ पर आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, और ये वाले वीडियो में आप कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, आज के लिए थैंक यू।